फटाक देखिए फटाफट खबरें, डाउनलोड कीजिए द कैप। यूपी भाजपा में जहां 2024 के लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है, तो वहीं राजनीतिक दांवपेच भी खूब जोरों शोरों से आजमाए जा रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं योगी सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की। जहां हाल ही में केशव प्रसाद मौर्य ने संगठन की बात करते हुए अपने एक ट्वीट से भाजपा के सियासी गलियारों में ही तलवार खींच दी थी, तो वहीं अब उसी लाइन पर आगे बढ़ते हुए आज 23 अगस्त को भी ऐसा ही एक ट्वीट केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से फिर आ गया। केशव ने अपने ट्वीट में आगे बढ़ते हुए 2024 के लिए नया हैशटैग दे डाला। केशव प्रसाद मौर्य ने पहले ट्वीट में लिखा कि सामाजिक समीकरण का राजनीतिक गुलदस्ता भाजपा के पास, विपक्ष में सिर्फ दिखावा। लोकसभा चुनाव में यूपी की प्रत्येक लोकसभा में विजय दिलाकर केंद्र में श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पुनः सरकार बनाकर गरीब कल्याण का यज्ञ जारी रखेंगे। इसके बाद केशव प्रसाद मौर्य ने नीचे हैशटैग दिया कि 2024 यूपी 80 कमल का लक्ष्य। लेकिन आखिर इस ट्वीट के मायने क्या है? बता दें कि पिछले 5 महीनों से यूपी में भाजपा अपने प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए किसी चेहरे की तलाश में है और आगे आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश अध्यक्ष का पद बेहद ही अहम माना जा रहा है। लेकिन अंदर खाने की सूत्रों की माने तो इस पद के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शीर्ष नेतृत्व की पसंद बने हुए हैं। भले ही आधिकारिक रूप से अभी प्रदेश अध्यक्ष पद की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के हाव भाव देखकर उनका प्रदेश अध्यक्ष बनना तय माना जा रहा है। और अब केशव प्रसाद मौर्य इसी बात पर संगठन को लेकर ट्वीट संकेत दे रहे हैं। 22 अगस्त को केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया था कि संगठन सरकार से बड़ा है। इसके बाद आज अगले ही दिन 2024 चुनाव को लेकर नया हैशटैग देना इस बात का संकेत है कि केशव प्रसाद मौर्य आगे आने वाली राजनीति में लंबी पारी खेलने की पूरी तैयारी में है। क्योंकि जहां हाल ही में प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल को अन्य राज्यों की जिम्मेदारी सौंप दी गई, ऐसे में भाजपा को ऐसे चेहरे की तलाश है जो सरकार के सामने झुके बिना संगठन को बखूबी संभाल सके, साथ ही साथ सरकार के सामने भी मजबूती के साथ स्टैंड ले सके। तो फिलहाल केशव प्रसाद मौर्य जहां अपने पहले ट्वीट से सरकार को लाल आंख दिखा चुके हैं, तो वहीं अगले ट्वीट्स में सरकार से अलग राह बनाते भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि आगे आने वाले समय में और क्या राजनीतिक द्वंद्व देखने को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।